इसराइल और हमास के युद्ध को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिसके बाद रोज लगातार नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रखी। हमास की तरफ से एक तरफ जहां लगातार रॉकेट दागी जा रही है, वह दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। यहां तक कि इसराइल तो अब ये भी कह चुका है कि गाजा पट्टी में जितने भी लोग हैं वो तुरंत जो है वो गाजा पट्टी खाली कर दे। यानी कि आप समझिए कि इसराइल खुले तौर पर इस बात की धमकी दे रहा है कि आने वाले समय में उसकी तरफ से कोई बड़ा हमला किया जा सकता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान हमने देखा कि दुनिया जो है वो दो देशों में बढ़ती हुई नजर आई। कुछ देश हैं जो लगातार इसराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ देश हैं जो लगातार हमास का साथ दे रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा साथ जो दिया जा रहा है वो अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है, जिसे सुपर पावर कहा जाता है। अमेरिका इसराइल का साफ तौर पर साथ दे रहा है, हथियारों की खेप से सैनिक जो है वो लगातार भेजे जा रहे हैं। इतने ही नहीं, इसराइल के जो सैनिक है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में आप समझिए अमेरिका को एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडराने लगा है। चरमपंथी संगठनों से अब सुपर पावर जो है वो थर थर कांपना शुरू हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। दरअसल FBI चीफ यानी कि खुफिया एजेंसी अमेरिका की, उनके चीफ का ये दावा है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया कि हाँ, अब हमें इस बात का डर जरूर सता रहा है कि अमेरिका के ऊपर भी कोई बड़ा हमला जो है वो किया जा सकता है। दरअसल ऐसा क्यों आप ये समझिए, क्योंकि हमास जो है, हमास को ईरान का साथ मिल रहा है, हमास को सीरिया का साथ मिल रहा है, हमास को तमाम मुस्लिम देशों का साथ मिल रहा है। अब आप समझिए, एक तरफ अमेरिका है जो इसराइल का साथ दे रहा है, दूसरी तरफ हमास है जो तमाम मुस्लिम संगठन है वो उनका साथ दे रहे हैं। अगर अमेरिका लगातार इसराइल के साथ खड़ा रहता है तो तमाम मुस्लिम देश, जिसमें ईरान जो खुद में एक बड़ी पावर कहा जाता है, वो सीधे तौर पर जो है वो अमेरिका के खिलाफ हो गया है। और इसीलिए अब FBI चीफ ने जो है इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि देखिए 13 अक्टूबर जिस चीज का जिक्र किया गया था, गाजा का दिन जिसे कहा गया था, क्योंकि हमास के एक नेता ने कहा कि ये गाजा का दिन है, उसके बाद से लगातार ये बात सामने आ रही है कि कई ऐसी घटनाएं जो है वो अमेरिका में बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, कई घटनाएं दर्ज की गई है जिसमें हिंसक घटनाएं तक शामिल है। यानी कि अमेरिका के अंदर भी अब फूट जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर इस युद्ध का अंत नहीं होता है तो FBI चीफ को इस बात का डर है कि अमेरिका में ऐसी कोई बड़ी घटना हो सकती है जिसकी वजह से अमेरिका को जो है नुकसान होगा। हालांकि अमेरिका अपना स्टैंड साफ तौर पर क्लियर कर चुका है कि देखिए हम आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि दरअसल जो बाइडेन ने कल जो है वो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपको यह क्लियर करना होगा कि हम जो है आतंकवादी समूह यानी कि हमास के साथ नहीं खड़े हैं, आपको ह्यूमैनिटी के तौर पर फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ जो बाइडेन जो है वो इसराइल के साथ भी खड़े हैं, वो फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब अमेरिका जो है वो आगे क्या करेगा, क्योंकि सुपर पावर तो जरूर है लेकिन जिस देश का साथ वो दे रहा है, इसराइल का साथ जिस तरीके से दे रहा है, उसके खिलाफ तमाम वो मुस्लिम संगठन देश है जो सीधे तौर पर एकत्रित होकर अब इसराइल के खिलाफ एक युद्ध में जो है वो सामने आ चुके हैं।